सामने काफ़ी ज़्यादा चेकिंग, पता नहीं क्या लक है हमारी। और दिस इज़ द बाइक यामा RX 100, और इसमें साउंड इतना प्यारा आ रहा है क्योंकि कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो क्या रिलेटेड है, कौन से बाइक रिलेटेड है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बातें करके सीधे चलेंगे बाइक के पास एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हॉप इन गाइस। तो हम आ चुके हैं बाइक के ऊपर, प्रेजेंटिंग यू द ब्रैट RX 100। ब्रैट बोलेंगे कि कैफे रेसर बोलेंगे पता नहीं, बट एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ है बोल सकते हो। जो भी है बहुत मज़ेदार है। अभी थोड़ी देर में रुक के मैं दिखाता हूँ ओवरव्यू आप लोगों को, फुल वॉक अराउंड। पहले थोड़ा सा इसको भगाते हैं, मज़े लेते हैं थोड़ा सा। भाई मजे आ गए लिटरली। इसका जो चेंबर का साउंड है ना, अल्टीमेट साउंड है। मजा आ गया। वो देखो अलग। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग खाली प्योर साउंड का मज़ा लो। तो ये RX 100 है, 135 नहीं है। सामने जो सिद्ध भाई चला रहे हैं वो RX 135 है। दोनों 4 स्पीड है। थ्रॉटल खोलने से ना बिल्कुल रॉकेट है। थ्रॉटल खोलने की देरी है बस। तो एक बार रिप करके देखते हैं। ओह शिट, गियर फॉल्स। अल्टीमेट पावर है गाइस, अल्टीमेट पावर है। मज़ा आ गया। और जो साउंड है ना भाई, साउंड है ना अलग है भाई, अलग।
थोड़ा रुक के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आई मीन दिखा देता हूँ ओवरव्यू। दिस इज़ द बाइक यामा RX 100, और इसमें साउंड इतना प्यारा आ रहा है क्योंकि कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है और बैंड इसका जो है फुल परफॉर्मेंस के लिए है। इनबिल्ट चेंबर, और जैसा मैंने बोला कैफे रेसर और ब्रैट का एक मिक्सचर है, फुल्ली कस्टमाइज्ड है, हर जगह पे कस्टमाइजेशन हुआ है, काम हुआ है। पीछे का मडगार्ड यहाँ पे शॉर्ट टिप मडगार्ड, इंडिकेटर्स भी कस्टमाइज्ड है, सामने का मडगार्ड भी छोटा मडगार्ड मारा हुआ है, फ्रंट में डिस्क लगाया गया है, बाकी इंजन वगैरह टैंक वैंक सब कुछ रीपेंट हो गए। और ये कॉन्सेप्ट जो है ब्लैक के ऊपर येलो, लास्ट वाला RX दिखा था उसमें भी ब्लैक के ऊपर येलो था, एंड ये भी ब्लैक के ऊपर येलो है, खाली डिफरेंस ये है कि ये मैट में है। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। और ये पेंट और स्टिकरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिद्ध भाई का कॉन्सेप्ट है। सिद्ध भाई का भी RX बहुत अच्छे से रिस्टोर किया हुआ है, छोटा सा एकदम मस्त दिख रहा है। उसके साथ साथ हर जगह पे काम किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर ब्रेम्बो का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। यहाँ पे पीछे से देखोगे तो फुल ब्रैट फीलिंग आएगा क्योंकि छोटा सा सीट है, और साइड से देखोगे तो फुल कैफे रेसर लगती है देखने में। और जब चलाओगे तो आपको दोनों का एक मिक्सचर लगेगा कि दोनों मतलब ब्रैट और कैफे रेसर मिक्स्ड है, क्योंकि इसका हैंडल बार जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब स्टॉक हैंडल बार की तरह ही है। कैफे रेसर में छोटा हैंडल बार होता है मोस्टली, इसका मीटर भी छोटा सा मीटर लगाया गया है क्यूट सा। सामने से भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक। और रोड पे कुछ अलग ही रिएक्शन भी मिल रहे थे जब इसको चला रहा था, वो तो होना ही है क्योंकि ऐसा चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है। इंजन जो है स्टॉक ही है, बस थोड़ा बहुत पोर्ट वोट जो है पॉलिश किया हुआ है, एंड कार्बोरेटर का जो ट्यूनिंग है, सो इंजन में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया हुआ है, इंजन ऑलमोस्ट स्टॉक ही है, कार्बोरेटर फुल्ली परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है। सो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे और भी इसको चलाएंगे, एंड कुछ फ्लाई बाय भी छोटे छोटे ले लेते हैं शॉट्स, सो मज़ा आने वाला है। साहब इसको चला के आज मज़े आ गए लिटरली, बट अभी ज़्यादा नहीं चला सकते क्योंकि आसमान का हालत बहुत ही ख़राब है।
आ गए चला के लिटरली। सामने काफ़ी ज़्यादा चेकिंग, पता नहीं क्या लक है हमारी और शायद हम बच के निकल गए। हेलमेट था बोल के बच गए, बट नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी में, नंबर प्लेट बैग में है सीट भाई के। थोड़ा मन में डर आ रहा था मेरे, बट कोई बात नहीं, निकल गए तो सब भला है भाई। मामू लोग रोक लेते तो अभी मुश्किल हो जाता। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज के वीडियो में। वैसे तो मैं कभी देखो बोलता नहीं हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो तो। बाकी इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए हमने जो इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, और आईडी डिस्क्रिप्शन में है एंड अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप लोग फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।